दुश्मन के ठिकानों पर अटैक इंडियन एयरफोर्स लाए गए नई दिल्ली। इंडियन एयरफोर्स ने अपना मोबाइल गेम इंडियन एयरफोर्स अकाटपा लॉन्च कर दिया है। इस गेम में प्लेयर्स विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की तरह अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। गेम में प्लेयर्स इंडियन एयरफोर्स के फाटले की एक व्यापक रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेम को एयर चीफ मार्शल PS धनोआ ने लॉन्च किया। यह एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर बैटल गेम है जिसमे प्लेयर्स को इंडियन एयरफोर्स द्वारा किए जाने वाले कॉम्बैट मिशन का शानदार वर्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके साथ ही इस गेम के जरिए इंडियन एयरफोर्स देश के युवाओं को सेना ज्वाइन करने के लिए भी करना चाहती है। यह गेम एंड्रॉइड और iOS दोनों जगह फ्री में डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। प्लेयर्स को मिलेगा असली पायलट जैसा फील। इस गेम में प्लेयर्स को एक असली एयरफोर्स पायलट का फील कराने की पूरी कोशिश की गई है। गेम खेलने वाले प्लेयर्स को फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए दुश्मन का सफाया करना होगा। गेम में एयरफोर्स में मौजूद अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट को उपलब्ध कराया गया है जिसे प्लेयर्स यूज कर सकते हैं। ट्रेन रन के बाद उड़ाएंगे जेट। इसमें प्लेयर्स को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उन्हें फ्री फ्लाइट का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान एक ट्यूटोरियल मिशन को पूरा करना होगा। इस मिशन के पूरा होने के बाद प्लेयर्स को एयरफोर्स की तरफ से विन दी जाएगी। गेम के प्लेयर्स को इंडियन एयरफोर्स के हथियार और युद्ध नीति के बारे में भी सीखने का मौका मिलेगा और एयरफोर्स के नए मिशन और स्ट्रेटजी को भी समझ सकेंगे। मल्टीप्लेयर वर्जन भी होगा लॉन्च। गेम को अभी केवल सिंगल प्लेयर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है। गेम का मल्टीप्लेयर वर्जन इसी साल अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। मल्टीप्लेयर वर्जन में इसे पबजी की तरह ही खेला जा सकेगा जहां एक टीम के प्लेयर्स को मिलकर एक मिशन को पूरा करना होगा।